गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एवेल्यूएशन फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज क्लास। आज की क्लास में हम पार्ट आठ क्रिया के बारे में जानेंगे। पार्ट आठ क्रिया, क्रिया के बारे में जानेंगे। क्रिया क्या होती है? आपको पता है क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। कोई भी जो भी कार्य हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, जो काम हो रहा है वो हमारी क्रिया है। जैसे जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया की परिभाषा क्या है? जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का पता चले उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। As you can see, I write some verbs. नाचता है, खाता है, जागता है, सोता है, भागता है, रोएगा, नाच रही थी। इसमें verb क्या है? नाचता है, तो नाचना क्या है? वर खाता है, खाता क्या है? वर जागता है, जागना क्या है? वर क्रिया, सोता, सोता क्या है? क्रिया, भागता ये भी क्रिया है, रोएगा यह भी क्रिया है, नाच रही थी, नाचना भी क्रिया है। तो इन सब शब्दों में आप देख सकते हैं किसी न किसी कार्य के होने का पता चल रहा है। नाचता है, किसी की बात चल रही है, वह क्या करता है? नाचता है। तो उस वो क्या कार्य कर रहा है? नाचने का कार्य हो रहा है। खाता है, कोई खाता है। यहाँ पर क्या, किस कार्य की बात चल रही है? खाने की, कोई भी वस्तु खाई जा रही है। जागता है, यहाँ पर क्या है कार्य? जागने का। सोता है, यहाँ कार्य सोने से रिलेटेड है। भागता है, भागने का कार्य। रोएगा, कार्य क्या है इसमें? रोना। नाच रही थी, नाचना क्या है? कार्य है, कार्य क्या है इसमें? नाचना। तो ये सभी, नाचना, सोता, रोएगा, नाच, भागती, जागती, खाना, खाता, ये सभी हमारे क्रिया शब्द। इन्हीं शब्दों से हमें पता चलता है कि कोई कार्य हो रहा है, होगा या हो चुका है। जैसे नाचता है, तो क्या है कार्य? हमारा वर्तमान काल में चल रहा है। खाता है, वर्तमान काल की बात है। जागता है, यहाँ भी हमारी वर्तमान काल की बात है। सोता है, भागता है, यहाँ देखिए हमारा आया रोएगा, रोएगा। तो यहाँ पर हमारी बात भविष्य काल में चली गई, वो कार्य करेगा। किसकी बात हो रही है? भविष्य का। भविष्य क्या है? फ्यूचर। तो अभी ना वो रो रहा है और ना ही रो चुका है, क्या होगा? वह रोएगा। नाच रही थी, ना वो नाचेगी और ना वो नाच रही है, नाच रही थी। कार्य क्या है? हो चुका है, पहले नाच रही थी, अब वो कुछ और कर रही है, पहले वो नाच रही थी। तो ये क्या हो गया हमारा? भूतकाल, नाच रही थी। तो जिन कार्यों से कार्य के होने का पता चले वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के
होने का पता चले वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। लेट्स रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर। व्हाट वी हैव लर्न टुडे, वी लर्न अबाउट क्रिया। आज हमने किसके बारे में सीखा? आज हमने क्रिया के बारे में सीखा, आज हमने वर्ब के बारे में सीखा। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ शब्द दूंगी और आपको उसमें बताना है कि क्रिया कौन सी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।